हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग हो रही है इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग कह लिया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैंने नहावा लिया है और अभी मैं अपना बिस्तर सेट कर रही हूँ। फिर मैं किचन में जाऊँगी। किचन में मैंने अपना सारा काम कर लिया था, उसके बाद का ये शूट है। ये 6:30 बजे तकरीबन का शूट है। तो मैंने अपने सारे बर्तन वर्तन जो फैले हुए थे स्लैब पे काम के दौरान, उन सबको स्टैंड में रख दिया, बर्तन धुलने वाले सिंक में, एंड उसके बाद स्टैंड में बर्तन को रख दिया। उसके बाद फिर मैं अपने किचन की पूरी सफाई कर लूँगी। सुबह में अगर आप जल्दी उठते हो तो आपका काम भी टाइम पे हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप 9 बजे तक फ्री हो जाते हो तो। और फ्री भी ऐसा होना कि आप एकदम संतुष्ट हो कि आप अपने सारे काम कर चुके हैं घर का, तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। मैं अपना किचन का स्लैप और सारी चीज़ें अच्छे से पोछ लेती हूँ और उसके बाद 6:30-7 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। बस खाना रह जाता है, तो खाना तो 12 बजे के बाद ही रहता है, नाश्ता सुबह का बन जाता है। आज यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बट आज वाली बारिश तो सुबह से ही हुए जा रही है, मतलब बंद नहीं हो रही है। 5 मिनट बंद हो रही है, फिर से स्टार्ट हो जा रही है। तो झमाझम बारिश हुए जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। और मौसम अच्छा रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है किसी को भी, अब वो चाहे घर का करिए या फिर बाहर का करिए। अच्छा मौसम रहे तो काम करने में अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने आज नाश्ते में बनाया था पराठा और भुजिया, बट मैं खाऊंगी बस आलू का पराठा जो कि मैंने रात को बनाया था, वो मैं अभी खा लूंगी क्योंकि वो बचा हुआ था। और मुझे सुबह में रात का बनाया हुआ आलू का पराठा अगर सुबह में मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट और ज़्यादा, तो मुझे पसंद है, इसलिए मैं पराठा खाऊंगी आज। एंड अभी बर्तन धुल रही हूँ, सारे बर्तन मैं सिंक पे रख करके सब बर्तन धुल लेती हूँ, जितना भी यूज़ की रहती हूँ, चाकू छलनी सब कुछ A to Z मैं धुलना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर स्लैब एकदम खाली हो जाता है और उसके बाद अच्छा लगता है किचन। अगर आपका स्लैब खाली है, बस आपके स्लैब पे ज़रूरत की चीज़ें हैं, और वैसे भी बर्तन अगर आप सारा का सारा धुल देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा आपने। और अगर आप कुछ बर्तन इधर है कुछ बर्तन उधर है, तो इससे आपका किचन भी थोड़ा बहुत इधर उधर मैशी सा लगता है। तो इसलिए मैं किचन में जितने भी बर्तन होते हैं स्लैब पे सारे के सारे धुल लेती हूँ, और जो भी यूज़ की रहती हूँ सारे बर्तन। फिर मैं अपने सिंक को भी धुल लेती हूँ, डेली मैं सिंक को धुलती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हाइजीन मेंटेन होते रहता है, बर्तन वर्तन गंदगी नहीं रहती है सिंक के अंदर, तो बर्तन भी सेफ रहते हैं और हम लोग भी हाइजीन वाले खाना खाते हैं। तो अभी मैं दाल बैठा लेती हूँ, दाल मैं सुबह में ही बना लेती हूँ ताकि दाल बन गया रहता है। तो अगर किसी को नाश्ते में दाल खाना है तो दाल खा लेते हैं हम, और अगर हमें दोपहर के खाने में खाना है फिर तो दाल बन के रेडी ही रहता है। तो दाल मैंने बैठा लिया है, एंड भुजिया थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि कच्ची रह गई है, इसलिए मैंने गैस पे उसे फिर से बैठाया है। एंड अभी आप देख सकते हैं ये जो मैं दिखा रही हूँ चना और मूंग है, मैंने रात को भिगो करके रख देती हूँ। मैंने कुछ क्लिप्स में नेक्स्ट प्रीवियस ब्लॉग में बताया था आपको, तो भिगो करके रख देती हूँ और उसके बाद उसे छान लेती हूँ। जब वो फूल जाता है तो उसके बाद उसे छान करके रख दीजिए, फिर वो अंकुरित हो जाता है। और ये फिर आप प्याज नींबू और नमक डाल करके खाइए सुबह के नाश्ते में, आपको इतना हेल्दी डाइट मिलेगा, हेल्दी नाश्ता है ये एकदम। तो आप बिल्कुल इसे आजमा करके देखिएगा। अभी मैंने सब्जी नीचे से लेकर के आई तो मैंने सोचा चलो इसको भी खाली कर लेती हूँ। नीचे सब्जी वाला आते रहते हैं दिन रात, रात के 9-10 बजे तक ही 9 बजे तक भी सब्जी वाले आते रहते हैं, सॉरी। तो पर सामान मिलता रहता है अच्छे से यहाँ पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और 10 बजे का आप वेदर बाहर देख सकते हो, लग रहा है शाम का टाइम हुआ है, इतना बारिश वाला मौसम है। कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ वेडिंग साड़ी कलेक्शन शेयर की थी, तो उसमें से ही ये वाली साड़ी रह गई थी जिसे मुझे फोल्ड करना था। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी रात को उस वीडियो को शूट करने के चक्कर में कि मैं भूल गई थी कि मुझे ये एक साड़ी मेरी रह गई थी सोफे पे। तो अभी मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना बालकनी धुल लेती हूँ। ये बालकनी मैं स्लैब अपना पहले रेलिंग पोछ लूँगी, और बालकनी मतलब समझ लीजिए कि कल रात को इतनी ज़ोरों की आंधी आई थी, यहाँ पे
कि पूरे बालकनी में गंदगी फैल गई है। तो मुझे तो अपना बालकनी धुलना ही रहता है, बट आज का मैं मतलब बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धूल आ गया था। फिर मैंने अपना रेलिंग पोछ लिया है, रेलिंग डेली पोछ ही लेती हूँ क्योंकि इससे साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है हाथ वाथ रखने में भी रेलिंग के ऊपर। और मैंने अपना रेलिंग पोछने वाला कपड़ा इसी पानी में खंगाल लिया क्योंकि रेलिंग साफ ही रहता है तो। और ये बाल्टी जो है ना, ये हम लोग बालकनी धुलने के काम में ही लेकर के आते हैं, पोछा और बालकनी ये सब धुलने के लिए। तो अभी मैं अपना बालकनी धुल लूँगी। और मौसम इतना प्यारा हुआ है ना बाहर, मैं आपको शायद कैमरे में लग नहीं रहा हो लेकिन बारिश हो रही है, झमझमाझम बारिश। और मैं ना गाइज प्रीवियस ब्लॉग में जो अपना वेडिंग साड़ी कलेक्शन दी थी उसके कुछ साड़ियाँ जो हैं मैंने जो ऑनलाइन परचेज़ की थी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देना भूल गई हूँ, बट मैं आज सोच रही हूँ कि मेंशन कर दूँगी क्योंकि इतना काम हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ फिर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आज मेंशन कर दूँगी, तो अगर आपको उसमें से कोई भी साड़ी पसंद आएगी तो आप ख़रीद सकते हैं। अभी मैं अपने दूसरे वाले बालकनी में साफ़ कर रही हूँ। अभी आप यहाँ का तो नज़ारा देख ही सकते हैं, कितना धूल आ गया है, जैसे लग रहा है बरसों से किसी ने धुला ही नहीं है। बहुत ही ज़ोरों की आंधी आई थी, मुझे नहीं पता कि कब आई होगी, लेकिन सुबह में उठने पर ऐसा नज़ारा था बालकनी का। वाइपर बहुत छोटा है ना, आप शायद ध्यान भी दिए होंगे। मैं बड़ा वाइपर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उसके ब्लेड्स जो हैं वो नहीं लगते हैं कि सारे कोनों में जाकर के सफाई कर पाएंगे, छोटे से छोटे जगह पे भी, इसलिए मैं छोटा वाला वाइपर ही प्रेफर करती हूँ। जोरों की बारिश हो रही है, मैं बस से ही बारिश हो रही है और अभी बजने वाले हैं 10, 10 बजे भी बारिश ही हो रही है। चलिए छत पे देख लेते हैं छत की हालत क्या है बारिश में। अच्छा हवा चल रहा है, एक गमला गिर चुका है तो मैं उसको चलिए खड़ा करके और तब फिर मिलती हूँ आपसे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पर खाने में मैंने दाल बना लिया है दोपहर के खाने में और भिंडी की भुजिया। भिंडी की भुजिया का भुजिया मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट भुजिया भिंडी का भुजिया। तो थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है और मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में भिगोए थे, तो अभी मैं मशीन ऑन कर लूँगी। और ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले।